हरियाणा की राजनीति से इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। राजनीति में कब किसका गठबंधन हो जाए, कब किसका गठबंधन टूट जाए, कहा नहीं जा सकता है। और इस वक्त बड़ी अपडेट है, आपको बता दें कि हरियाणा के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बंपर सीटें मिली है, अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब साबित हुई है। जो सूत्रों के हवाले से जो अपडेट निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक इनेलो और अकाली दल एनडीए गठबंधन का अब घटक दल हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है और इस गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल जो कि ओम प्रकाश चौटाला के सुप्रीमो है और उसके साथ साथ पंजाब की अकाली दल जो मोदी सरकार के पहले प्लान में साथ थी, हालांकि दूसरे प्लान में भी साथ आई थी, लेकिन जब किसानों का आंदोलन हुआ तो वे बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर जो है अपना अलग रास्ता अपना लिया था। बताया जा रहा है कि अब ये दोनों पार्टी फिर से एनडीए गठबंधन के साथ आ सकती है, एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती है। हालांकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इनेलो और अकाली दल ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इनेलो पार्टी की तरफ से दो विधायक जीते हैं, जिनमें रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला जो कि अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं और डब्बावाली से आदित्य चौटाला। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर ये सूत्रों के हवाले जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है अगर सत्य साबित होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो जाट वोट बैंक उनसे जो छिटका था कहीं ना कहीं इनेलो के आने से वो मजबूत होगा और उसके साथ साथ पंजाब में जो भाजपा अपने आप को वीक मान रही है कहीं ना कहीं अकाली दल के आने से जहाँ अकाली दल को भी सहारा मिलेगा तो भाजपा भी मजबूत होगी। तो आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।